हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी और टेस्टी चीज पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 कप मैदा। अभी इसमें डाल देंगे आधा चम्मच चीनी, साथ ही में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच तेल। तो अभी सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारी चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी पानी डाल के एक सॉफ्ट डो हम बना लेंगे। तो देखिए डो बिल्कुल तैयार है। अभी इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। लगभग 10 मिनट हो चुका है। अभी इस डो को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे फिर से। तो अभी इस डो से लुई काट लेंगे। तो चकली के ऊपर हमने पहला वाला लुई लिया है। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा सूखे मैदा डस्ट कर लेंगे और अभी एक पतला रोटी बेल लेंगे। तो देखिए हमने एक बड़ा सा रोटी बेल लिया है। अभी इस रोटी के ठीक बीच में एक चीज स्लाइस हम रख देंगे। और अभी चीज स्लाइस के ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स। अगर आप लोग चाहें तो मिक्स्ड हर्ब्स के बदले ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। मिक्स्ड हर्ब्स डालने के बाद अभी इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अभी थोड़ा सा सूखी मैदा डाल देंगे और सूखी मैदा डालने के बाद इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो देखिए हमने पराठा बेल लिया है। अभी इसे सेक लेते हैं। तो अभी पराठे के ऊपर अच्छी तरह से घी लगा लेंगे या फिर आप लोग चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। तो ये वाला पराठा अच्छी तरह से सेक चुका है। अभी इसे तवे से निकाल लेते हैं और ऐसे ही बाकी के भी बना लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।